तो हमारा सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। ये सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया था। आप देख रहे होंगे जो फिगर लगा हुआ है, ये स्किनर महोदय का है। तो इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया। ये अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने अपने अधिगम संबंधी विचार जो हैं दो पुस्तकों में प्रकाशित किए। पहली पुस्तक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, दूसरी पुस्तक है बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। इन दो पुस्तकों में स्किनर ने अपने अधिगम संबंधी विचार प्रस्तुत किए। इन्होंने बताया कि जो व्यवहार होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, दूसरा आता है क्रिया प्रसूत व्यवहार। देखिए, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार ऐसा व्यवहार होता है जो उद्दीपक या उत्तेजक की देन होता है, इसमें हमारी इच्छा काम नहीं करती है। जैसे हमारी आंखों पर जलती हुई टार्च कोई लगा दे तो हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, या हमारे शरीर में कोई आलपिन चुभो दे तो जिस अंग में आलपिन चुभोई जाएगी हम जो है उस अंग को सिकोड़ लेंगे। यानी ऐसा व्यवहार जिसको हम करेंगे ही करेंगे तो वो होता है आपका प्रतिक्रियात्मक व्यवहार या रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर। ये उद्दीपक की देन होता है, इस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा व्यवहार है आपका क्रिया प्रसूत व्यवहार, जिसे ऑपरेंट बिहेवियर कहते हैं। यानी ये व्यवहार ऐसा होता है जो हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हमारा मन है, हम दौड़ेंगे, हंसेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, तो ऐसा व्यवहार जिसमें हमारी इच्छा काम करती है वो होता है आपका क्रिया प्रसूत व्यवहार। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, स्किनर महोदय ने सबसे ज़्यादा कहा है, यानी सबसे ज़्यादा महत्व दिया है अनुक्रिया को। इन्होंने कहा है कि जो बालक होता है या पशु होता है वो अनुक्रिया करके सीखता है। तो अनुक्रिया की महत्ता को दिखाने के लिए इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। देखिए, इन्होंने 1938 में जो है प्रयोग किया था चूहे पर, और 1943 में प्रयोग किया था कबूतर पर। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि स्किनर ने पहला प्रयोग किस पर किया था, तो किया था चूहे पर, दूसरा किया था कबूतर पर। अब देखते हैं इनके प्रयोग को। क्रिया की महत्ता को समझाने के लिए, देखिए लिखा हुआ है, क्रिया की महत्ता को समझाने के लिए इन्होंने प्रयोग किया चूहे और कबूतर पर। 1938 में चूहे पर और 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया। किसने किया था? स्किनर महोदय ने किया। देखिए, ये पूरा सिस्टम जो है किसने तैयार किया था? स्किनर ने। ये क्या है? एक बॉक्स बना हुआ है। जब हमारे स्किनर महोदय जीवित थे तो उन्होंने इस बॉक्स का कोई भी नाम नहीं दिया, लेकिन जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके चाहने वाले इसको स्किनर बॉक्स का नाम देते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, इन्होंने चूहे, भूखे चूहे को जो है इस बॉक्स के अंदर बंद किया, और ये जो बॉक्स था ये लीवर के दबने से खुलता था। यानी इसमें जो गेट लगा हुआ है ये लीवर के दबने से खुलता था और यहाँ से भोजन आ जाता था और चूहा खा लेता था। प्रयोग क्या था? देखिए, बॉक्स में जो है भूखे चूहे को बंद कर दिया, ठीक है, और चूहा जो है ये इसके अंदर कूदने लगा, इधर उधर दौड़ने लगा, पंजे मारने लगा। अचानक इसका पैर जो है लीवर पर पड़ जाता है और यहाँ से जो है भोजन आ जाता है, यानी गेट से जो है भोजन आ जाता है और चूहा भोजन खा लेता है। तो इसने अनुक्रिया की। क्या किया अनुक्रिया? इधर उधर पिंजड़ी में दौड़ा, कूदा, पंजे मारे, तो अनुक्रिया की, और बाई चांस इसका पैर जो है लीवर पर पड़ जाता है और भोजन पिंजड़े के अंदर आ जाता है और ये भोजन खा लेता है। यानी उसने अनुक्रिया करके जो है अपना लक्ष्य प्राप्त किया। ठीक है, इस प्रयोग को बार बार, काफ़ी बार दोहराया गया। एक दिन ऐसा होता है कि जैसे ही पिंजड़े के अंदर चूहे को बंद किया जाता है वह लीवर दबाता है और भोजन अंदर आ जाता है और वह भोजन खा लेता है। तो इस प्रयोग से ये समझ में आया कि स्किनर महोदय ने जो है अनुक्रिया पर काफ़ी जोर दिया हुआ है। इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है या पशु है वो अनुक्रिया करके ही सीखता है। तो अनुक्रिया करके चूहे ने जो है क्या करना सीख लिया? लीवर दबाना और भोजन खाना सीख लिया। ठीक है, जो पिंजरे के अंदर जो भोजन आता है उसे इन्होंने पुनर्बलन कहा है। पुनर्बलन कहा है। क्या कहा है? पुनर्बलन, उद्दीपक या उत्तेजक नहीं कहा है, पुनर्बलन कहा है। इन्होंने कहा, अभी आगे पढ़ने को मिलेगा, इन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति को हम एक निश्चित समय पर पुनर्बलन देंगे तो वो अनुक्रिया करता रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने बताया जो अनुक्रिया है
वो डिपेंड करती है पुनर्बलन पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम पढ़ने जाते हैं विद्यालय में, और अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और परिणाम अच्छा आएगा तो हम कार्य करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार से चूहे को समय समय पर अनुक्रिया करने पर पुनर्बलन मिल जाता था तो वह क्रिया करता रहा, अगर ऐसा नहीं होता तो वह नहीं करता। खैर, बात करें इस सिद्धांत का अर्थ क्या है, तो कह सकते हैं कि जो स्क्रीन महोदय थे वो कहते हैं कि अनुक्रिया सीखने के लिए बहुत ही जरूरी होती है, और अनुक्रिया जो है पुनर्बलन के माध्यम से जो है कंट्रोल्ड होती है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ लिखी हुई है। लिखा हुआ है, स्किनर ने थंडाई के सीखने के नियम, प्रभाव का जो नियम था उस पर कार्य किया था। ठीक है, मतलब संतोष व असंतोष पर इन्होंने काम किया था। कि जैसे आपने देखा होगा, मैंने प्रभाव के नियम में बताया था कि जैसा हम पर इफेक्ट पड़ेगा वैसा हम काम करेंगे, अगर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा तो हम उस काम को करेंगे, अन्यथा नहीं। तो इन्होंने बताया कि क्रिया को करने के लिए दो चीज़ें बहुत ही आवश्यक होती हैं, पुनर्बलन और दंड। मैंने आपको वही बताया था कि अनुक्रिया करते हैं और पुनर्बलन या परिणाम अच्छा मिलता है तो हम उस कार्य को लगातार करते रहते हैं। तो पुनर्बलन और दंड, इन दो चीज़ों को बताया कि ये क्रिया करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो स्क्रीन ने बताया कि पुनर्बलन और दंड जो है उसके दो भाग हैं। पुनर्बलन को इन्होंने बांटा सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन, दंड को भी इन्होंने बांटा सकारात्मक और नकारात्मक भागों में। इन्होंने बताया कि जो दंड होता है वो कार्य कराने के लिए ठीक नहीं होता है, तो इन्होंने पुनर्बलन को ही काफ़ी महत्व दिया। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और देखिए आगे यही लिखा हुआ है कि इन्होंने बताया कि पुनर्बलन ज़्यादा उपयोगी होता है दंड की अपेक्षा। जैसे मान लीजिए आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो जब आप पढ़ते थे तो आपको दंड जब मिलता था तो आपको अच्छा नहीं लगता था, तो उसी प्रकार आज आप पढ़ा रहे हैं, अगर आप बच्चे को दंडित करेंगे तो वो अच्छे से नहीं पढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर आपने बच्चे को 17-18 का पहाड़ा याद करने के लिए दिया, उसने नहीं सुना पाया, आप उसे मार देंगे तो विद्यालय ही नहीं आएगा, पढ़ाएंगे क्या उसे। तो जब भी उसको देना है पुनर्बलन जो है उसको देना है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। ठीक है, तो पुनर्बलन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्रिया कराने के लिए। आगे लिखा गया है, पुनर्बलन अनुसूची, यानी पुनर्बलन हमें कब कब देना है, किस समय देना है। तो पुनर्बलन को इन्होंने दो अनुसूचियों में बांटा, एक था सतत पुनर्बलन यानी कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट, एक होता है आंशिक पुनर्बलन। तो देखिए, सतत पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन, तो सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन होता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे सतत पुनर्बलन क्या होता है, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बच्चे ने कुछ भी अच्छा किया, आपने उसको चॉकलेट दे दी, टॉफ़ी दे दी, ठीक है, एक दिन देंगे आप, अगर उसे लगातार देते रहेंगे तो बच्चा क्या करेगा, मतलब वो पढ़ने के उद्देश्य से नहीं आएगा, या आपका काम पढ़ने के उद्देश्य से नहीं करेगा, वो टॉफ़ी या चॉकलेट पाने के उद्देश्य से करेगा। तो सतत पुनर्बलन जो है, कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट जो है, वो अच्छा नहीं होता है। आंशिक पुनर्बलन, पार्शियल रेनफोर्समेंट जो होता है वो उपयोगी होता है, यानी जैसे आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उसने कोई अच्छा काम किया तो आपने शाबाशी दे दी, वेरी गुड बेटा, आपने बहुत अच्छा किया, समय समय पर देना चाहिए। ये भी बात होती है, समय समय पर देना चाहिए, लेकिन आंशिक रूप से देना चाहिए, यानी हर दिन जो है उसे काम देते रहे, मतलब उसको प्राइज देते रहे, तो वो उपयोगी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आंशिक पुनर्बलन जो होता है वो काफ़ी उपयोगी होता है। तो क्रिया करने के लिए पुनर्बलन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, अगर हम क्रिया करते हैं और हमें सही समय पर पुनर्बलन मिलेगा तो हम उस क्रिया को बार बार दोहराते रहेंगे और अपने जीवन में सफल बनेंगे और हम कुछ नया सीखेंगे। तो जो स्क्रीन महोदय थे उन्होंने पुनर्बलन का प्रयोग किया है, ठीक है, उद्दीपक का नहीं प्रयोग किया है, इन्होंने अनुक्रिया पर काफ़ी जोर दिया है। तो ये तो हो गया किसका किस पर प्रयोग, चूहे पर प्रयोग था, और आपने समझ लिया कि क्रिया और पुनर्बलन का बहुत ही महत्व है इनके सिद्धांत में। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि चूहे पर 1938 में किया था, अब देखते हैं कबूतर पर प्रयोग। देखिए, ये कबूतर जो है ये पिंजड़े में बंद था, ठीक है, ये पिंजड़े में बंद है आपका कबूतर, ठीक है, ये की लगी हुई है, और ये फूड होपर है, यानी फूड का जो है ये दरवाज़ा है। जैसे ये भूखा होता है, इसको भी जो है पिंजड़े में बंद करते हैं चूहे को, सॉरी कबूतर को, और ये इधर उधर जो है इसमें घूमता है, बाई चांस इसका जो चोंच है ये इस
की में लड़ जाता है और भोजन यहाँ पर आ जाता है, ये खा लेता है। यानी इसने अनुक्रिया की और इसको पुनर्वरण के रूप में जो है क्या मिल गया, भोजन। तो इस प्रयोग को भी चूहे की तरीके से कबूतर पर काफ़ी बार दोहराया गया, वो भी जो है अनुक्रिया करके भोजन प्राप्त करना सीख लेता है। यानी अनुक्रिया की, उसको पुनर्वरण मिला तो वो क्रिया करने लगा। तो यही प्रयोग था किस पर, कबूतर पर। तो ये होता है इनका प्रयोग और कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब देखेंगे जो उपनाम होते हैं वो बहुत ही महत्व रखते हैं, तो उसको देख लेते हैं। एक पॉइंट और है आपका सेपिंग। इनके सिद्धांत में सेपिंग वर्ड आता है। यह एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार पुनर्बलन के आधार पर किसी विशेष लक्ष्य की ओर ले जाया जाता है। सेपिंग प्रवृत्ति को जो है क्रमिक सन्निकटन की विधि भी कहते हैं। सेपिंग को क्या लिखा हुआ है, यह ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार पुनर्बलन के आधार पर किसी विशेष लक्ष्य की ओर ले जाया जाता है। ठीक है, सेपिंग प्रवृत्ति को क्रमिक सन्निकटन की विधि भी कहते हैं। देखिए लिखा है, व्यक्ति का व्यवहार पुनर्बलन के आधार पर किसी विशेष लक्ष्य की ओर ले जाया जाता है। पुनर्बलन जैसे मान लीजिए टॉफी है, ठीक है, टॉफी है आपकी, पुनर्बलन के आधार पर आप पुनर्बलन देकर जो है बच्चे को किसी विशेष लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। तो पुनर्बलन के आधार पर बच्चे को उसके लक्ष्य की ओर ले जाना होता है सेपिंग या क्रमिक सन्निकटन की विधि। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण उपनाम हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं कि एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। प्रश्न है हमारा, सॉरी, लिखा हुआ है उपनाम पहला, आरएस थ्योरी। मैंने आपको बताया है कि इन्होंने अनुक्रिया पर काफी जोर दिया है। आर मतलब होता है रिस्पॉन्स, एस मतलब होता है स्टूमुलस, तो इसी वजह से जो है इनका सिद्धांत आर एस थ्योरी कहलाता है। आर एस थ्योरी कहलाता है। एस आर थ्योरी किसका कहलाता है, थंडाइक का, क्योंकि उन्होंने स्टूमुलस पर काफी जोर दिया था। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत इनका सिद्धांत कहलाता है। कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत और अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत जो है इनका सिद्धांत कहलाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, आर एस थ्योरी सबसे महत्वपूर्ण है। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के उपनाम है आर एस थ्योरी, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत और अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत जो है स्क्रीन महोदय ने दिया है। देखिए रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो था वो दिया था स्क्रीन महोदय ने, ठीक है, 1952 में, और रेखी था। दूसरा था शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो दिया था, तो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन दिया था 1960 में, किसने, नॉर्मन ए क्राउडर ने। ठीक है, तीसरा था मैथेटिक अभिक्रमित अनुदेशन जो दिया था गिलबर्ट ने 1962 में। तो अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत तो जो है ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहलाता है। अब देखते हैं कुछ गुण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला गुण है, बच्चे अनुक्रिया द्वारा सीखते हैं। मैंने आपको बताया, स्क्रीन महोदय ने बताया कि बच्चे जो है किसके द्वारा सीखते हैं, अनुक्रिया के द्वारा। आगे लिखा हुआ है, छात्रों को तत्कालीन पुनर्वरण देना चाहिए। यानी कोई भी वो अच्छा काम करते हैं, कोई भी अच्छा सा गीत सुनाते हैं, तो उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, रेनफोर्समेंट देना चाहिए। अगर आप नहीं देंगे उसको, आज उसने कविता सुनाई या पहाड़े सुनाए या कोई अच्छी सी चीज़ें सुनाई, तो उसको रेनफोर्समेंट दे रहे हैं 4 दिन के बाद, तो कोई मतलब नहीं है पुनर्वरण देने का। अगला, विद्यार्थियों के परिणाम शीघ्र घोषित करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई हम काम कर रहे हैं तो उसका परिणाम अगर हमको मिलता रहेगा तो हम उस काम को लगातार करते रहेंगे, तो विद्यार्थियों के परिणाम भी शीघ्र घोषित कर देना चाहिए जिससे कि वो आगे काफ़ी प्रोत्साहित हों और अच्छा काम करें। अगला है, नकारात्मक व्यवहार को नकारात्मक पुनर्वरण द्वारा रोकना चाहिए। तो नकारात्मक व्यवहार को नकारात्मक पुनर्वरण के माध्यम से रोकना चाहिए। जैसे कोई बच्चा जो है चोरी कर लेता है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए या उसे चाटा लगाना चाहिए। तो नकारात्मक व्यवहार को नकारात्मक पुनर्वरण के माध्यम से जो है रोकना चाहिए, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से जो आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था, स्क्रीन का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।